प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी कैंपेन के तहत आज श्रावस्ती पहुंचे और श्रावस्ती में प्रधानमंत्री के आगमन की आहट लगते ही आमजन भाजपा के रैली स्थल की ओर बढ़ चली। दोपहर को जब लोगों ने आसमान में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर आते देखा तो उत्साहित युवाओं ने हेलीपैड की तरफ दौड़ लगा दी। विशाल जनसैलाब उमड़ा। श्रावस्ती में हुई इस जनसभा का नजारा हेलीकॉप्टर से भी कैमरे में कैद किया गया। एरियल व्यू के वीडियो को भाजपा ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से उत्साहित होते नजर आ रहे हैं। मंच पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने उनसे मुखातिब होते हुए कहा, भाइयों बहनों, मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें लोग भाग भाग कर मंच पर चढ़ रहे थे, तो मैंने पूछा, भाई ये हुड़दंग क्यों चल रहा है? तो उन्होंने बताया कि सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्रति व्यक्ति पैसे देते हैं, लेकिन इन्होंने पैसा नहीं दिया तो लोग भाग कर मंच पर चढ़ गए। अब जिस पार्टी का ये हाल हो वो आपका भला कैसे कर सकती है? पीएम मोदी ने इसी बीच कहा कि इंडिया अलायंस पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। आमजन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपका ये उत्साह साफ साफ बता रहा है कि सपा और कांग्रेस का इंडी गठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। पूरा देश एक ही बात कह रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इंडी गठबंधन में तीन भयंकर बीमारियां हैं जिससे देश को सावधान रहना जरूरी है। इंडी गठबंधन वालों की सबसे बड़ी बीमारी है कि ये लोग घोर सांप्रदायिक हैं, ये घोर जातिवादी हैं और ये घोर परिवारवादी हैं। ये तीनों बीमारियां देश के लिए कैंसर से भी ज्यादा विनाशक बन सकती हैं।